BMW और TVS के कोलैबोरेशन से आने वाली है एक और मोटरसाइकिल TVS DRAKEN 310। हेलो राइडर्स, मेरा नाम है रोहित एंड वेलकम टू रिच इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या TVS DRAKEN 310 को लॉन्च करने वाला है इंडिया में या फिर नहीं। ये मोटरसाइकिल पहली बार दिखाई गई थी एक कॉन्सेप्ट के रूप में 2014 ऑटो एक्सपो में। 2014 के ऑटो एक्सपो में TVS अकुला को भी दिखाया गया था। TVS अकुला का जो प्रोडक्शन मॉडल है वो आज हमारे सामने है, जिसको हम बोलते हैं अपाचे 310R। लेकिन TVS DRAKEN 310 को अभी तक प्रोडक्शन में नहीं लाया गया है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स पर मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि इस साल 2020 के ऑटो एक्सपो में TVS इस मोटरसाइकिल को शोकेस फिर से करने वाला है और 2020 में TVS DRAKEN 310 लॉन्च हो जाएगी। TVS DRAKEN 310 अगर लॉन्च होती है तो ये मोटरसाइकिल जो है टक्कर देगी BMW 310 को और ड्यूक 390 को। TVS DRAKEN पावर और परफॉर्मेंस के मामले में सेम वैसा ही परफॉर्म करेगी जैसा अपाचे 310R परफॉर्म करती है। फर्क बस इतना है कि TVS DRAKEN एक नेगेट मॉडल है अपाचे 310R का। अगर आप ध्यान से देखें तो TVS DRAKEN की जो काफ़ी हद तक डिज़ाइन लैंग्वेज है वो अपाचे 200 या फिर अपाचे 204V में आपको नज़र आती है। टैंक का डिज़ाइन अपाचे 204V से काफ़ी मिलता जुलता है। TVS DRAKEN कॉन्सेप्ट मॉडल की अगर आप पीछे की सीट देखें, रियर सीट देखें, तो बिल्कुल भी बैठने लायक नहीं लगती है। उम्मीद है कि TVS इसमें कुछ चेंजेस करेगा और मुझे नहीं लगता कि TVS DRAKEN का जो फ्रेम होगा वो कुछ इसी तरह से होगा जैसे इस कॉन्सेप्ट मॉडल में नजर आ रहा है। TVS DRAKEN का फ्रेम लिया जा सकता है अपाचे 310R से। अपाचे 310R का फ्रेम बहुत ही एफिशिएंट फ्रेम है और ये हाई स्पीड को कैरी करने में बहुत ही मदद करता है। TVS DRAKEN में अगर आप हेडलाइट देखें तो ये असिमेट्रिकल हेडलाइट थी जैसे BMW पहले इस्तेमाल करता था अपनी मोटरसाइकिल में, लेकिन BMW ने खुद अपनी मोटरसाइकिल में ऐसी हेडलाइट यूज़ करना बंद कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी हेडलाइट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी TVS DRAKEN में। आप TVS DRAKEN का प्रोडक्शन मॉडल इमेजिन कर सकते हैं अपाचे 204V का एक मच शार्पर वर्जन। तो ये मोटरसाइकिल पावर्ड होगी सेम अपाचे 310R वाले मोटरसाइकिल इंजन से। 312.2cc का इसका इंजन होगा और 34 PS की पावर ये इंजन प्रोड्यूस करेगा। 27.3 Nm का टॉर्क ये इंजन प्रोड्यूस करेगा। माइलेज या फिर फ्यूल इकोनॉमी आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपाचे 310R से कुछ ज़्यादा। और ये मोटरसाइकिल होगी पहले से ही BS6 वर्जन इक्विप्ड, मतलब कि BS6 वर्जन मॉडल ही लॉन्च होगा। क्योंकि अगर 2020 में ये मॉडल लॉन्च होता है तो इस मॉडल को पहले से ही BS6 कंप्लाइंट होना ज़रूरी है इंडियन RTO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। डबल डिस्क वेरिएंट होगा ये, सामने की तरफ आपको सिंगल डिस्क मिलेगा और पीछे की तरफ आपको सिंगल डिस्क मिलेगा। डुअल चैनल ABS होगा मोटरसाइकिल में। 2014 में जब इस मॉडल को दिखाया गया था तो उस वक्त इसमें स्लिपर क्लच की कोई भी बात नहीं की गई थी, लेकिन अब 2019 में अपाचे RR 310 में ऑलरेडी स्लिपर क्लच आ चुका है। तो उम्मीद है कि ये मोटरसाइकिल, मतलब कि TVS DRAKEN, पहले से ही स्लिपर क्लच के साथ इक्विप्ड होगी। पर्सनली मैं चाहता था कि ये दोनों मोटरसाइकिल, मतलब कि अकुला और DRAKEN, एक साथ लॉन्च हों, लेकिन TVS ने अकुला का प्रोडक्शन मॉडल लॉन्च कर दिया और DRAKEN नहीं किया। उम्मीद है 2020 के ऑटो एक्सपो में TVS DRAKEN फिर से नज़र आएगी और TVS की तरफ से कुछ कंफर्मेशन आएगी हमारे लिए कि ये मॉडल इंडियन रोड्स पर जल्दी नज़र आएगा। अगर आप इस मॉडल को 2020 में इंडिया में देखना चाहते हैं, इंडियन रोड पर देखना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए यस। और ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए सब्सक्राइब टू रिच इंडिया मोटो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।